अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। एज विजुअल माई लाइफ माई किचन, हर किसी का यही होता है। अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, खैर फ्राइडे का दिन है आज, और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और सेकेंड जुम्मा है ये रब्बे अव्वल का, और अल्लाह ताला इसी तरह से है इस नेक महीने में हर किसी की दिली ख्वाहिश पूरी करे, जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, जायज़ तमन्नाएं। तो अभी जो है ना, मैंने कुकर में छोले चढ़ाए हुए हैं, इसको मैं लेट जो है ना पूरा प्रॉपर नहीं लगाती, मुझे बहुत डर लगता है, मैं फट के मरना नहीं चाहती। मुझे वैसे ही मरना है, ऐसे नहीं मरना मुझे। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए कुकर है मेरे पास, मगर मैं लेट में ना वो नहीं लगाती, ना सीटी, ना पूरा प्रॉपर इसको बंद नहीं करती हूँ। अभी जो है ना, मैंने ब्रेड वगैरह फांसियाँ बना रही है, चाय मैंने चढ़ाई हुई है, और बस जो भी रूटीन होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। कल मैंने इसलिए वीडियो लोड नहीं की क्योंकि कल जो है ना मुझे जाना था महफिल में, और कल मैं उसी की तैयारियों में लगी पड़ी थी। सुबह मुझे घर के काम करने थे, शाम को मियाँ जी ने मुझे फ़ोन किया कि आप जो है ना रेडी रहना, तो चलना है कहीं, तो मैंने कहा चलें जी। कभी कभी तो कनीज को मौका मिलता है सरताज के साथ जाने का, तो मैंने कहा चलो चलेंगे। तो फिर हम लोग चले गए थे, एक छोटी सी महफिल थी उसमें जाना था प्रोग्राम में, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो रात को हम लोग आ गए थे, 10 बजे तक आ गए थे, बच्चे सब घर पे थे। मेरे बच्चे इस मामले में बहुत ज़्यादा जिस बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, वो माँ बाप को बोलते हैं कि जाएं आप अपना एंजॉय करें लाइफ को। तो हम लोग बड़ा अच्छे लोग गए, शाम को बड़ा मज़ा आया हम लोगों ने। फिर खाना वाना खा के हम लोग रात में आ गए थे। अब चलें जी, बस मैं ये जो भी नाश्ता वाश्ता है वो बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, जो भी रूटीन होगी वो शेयर करती हूँ। बस में देखें ये गपशप भी चलती है, 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है फुल डे में, पूरे दिन में, और 1 घंटे में इनको मोबाइल जो मिलता है ना, पंखा बंद कर दो, तो ये चारों जो है ना 15-15 मिनट के लिए या 20-20 मिनट के लिए देखते हैं, और फिर पूरा दिन में शर्त ये होती है मोबाइल लेने की कि ये लोग अपनी कॉपीज कंप्लीट करेंगे। तो चारों का सर एक ही मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अदिमा मेहंदी दिखाओ, फासियानेज लगाई आपको कल, फासियानेज को वैली जब मैं चली गई थी ना, तो इन्होंने मेहंदी वेहंदी लगाई आपस में बैठ के। चले हमारा नाश्ता जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं दूसरे भी काम करूँगी, आज बहुत सारे काम हैं। पता नहीं मुझे, मैं भूल गई होंगी, हमारा नाश्ता लग गया, मलिक हाथ दे। ये मैंने फिरोज़ा इनके लिए बनवाई है, पेमेंट इन्होंने की है, मगर बनवाई जिद मैंने की थी। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लग रही है। नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया है। एक हमारे सिस्टर है और तहजीब आलम नाम है उनका, और पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं वीडियो पे प्रॉपर अब वैसा काम नहीं कर रही, आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं तहजीब आलम आपके लिए ये मैं मैसेज पैगाम दे रही हूँ, और क्योंकि मुझे उनके कमेंट्स आते रहते हैं अक्सर, वो बताती हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना दिमाग उनका जो है ना कन्फ्यूज़ है, वो कभी कौन सा चैनल, महीने में कोई 4-5 खोल चुकी हैं वो चैनल, और सेटिस्फाई नहीं होती, फिर दूसरा चैनल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे 2 साल कम्प्लीट हो गए, 3rd year अभी इंशाल्लाह कम्प्लीट ये भी हो ही जाएगा। तो हम जो है जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, एक ही चैनल पे काम कर रहे हैं, और तवक्कल अल्लाह पे, ठीक है। और मैंने बहुत चैनल पे इतना वर्क किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि आपकी सोच होगी। घर के साथ, बच्चों के साथ मैंने चैनल को बहुत चलाया, बहुत चलाया। मगर जब आप इंसान जो है ना एंड में आके ना रेंगता हुआ कीड़ा बन जाता है, तो मैं इस टाइम रेंगता हुआ कीड़ा बन गई हूँ, क्योंकि थक गई हूँ मैं। मेरे 2 चश्मे लग गए इस चैनल की वजह से, क्योंकि मोबाइल के लाइट उसकी वजह से। दूसरा ये कि आपका माइंडसेट बिल्कुल प्रॉपर वैसा नहीं रहता जैसे आप पहले होते हो। मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं किसी और की नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है नॉर्मल हाउस वाइफ जितनी होती है, हम इतनी खुराक ले ही नहीं रहे होते, हम जितना स्ट्रेस ले रहे होते, स्ट्रेस लेने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, वो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे आईसाइट का इशू हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। पेन होता है मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा,
इसके अलावा ये बता दूं कि मैं बहुत हद तक ना मैं पीछे अपने बच्चों से पीछे कैसे हो गई कि उनकी पढ़ाई पे असर आने लगा, उनके रिमार्क्स कम आने लगे। तो मैं एक ऐसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, मैंने एक दिन बैठ के खुद सोचा, मैंने खुद सोचा अपने आप से कि मैंने बोला कि ये तो चले, ये तो एक हम अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कर रहे हैं, मगर मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या कर रही हूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रही हूँ, ये मैंने खुद अपने आप से डिसाइड किया कि मैंने सोचा कि नहीं, पहले सबसे पहले फर्स्ट जो होती है ना एक चीज़ वो होते हैं हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा शौहर, तो पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने अब जो है ना बहुत 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 कम, यानी 100 से 10% मैं काम, जब मेरा देखती हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मेरा माइंडसेट ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। मैंने अब हावी नहीं किया अपने आप को इस चीज़ पर, जैसे मैं बहुत पहले हावी रखती थी अपने आप को, तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा, जो मेरी किस्मत में नहीं होगा नहीं मिलेगा। बहरहाल मैंने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया था अपनी फैमिली, अपनी हर चीज़ से, और मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है चैनल बनाने से कि मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत उजागर हुआ, मेरे हिसाब से बहुत उजागर हुआ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, और मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ कर रही हूँ मुझे कि मुझे यहाँ से जो ना हौसला से सीखने को भी मिलता है, मुझे हौसला भी मिलता है, मीन ये कि मैं एक मसरूफ अपने आप को फील करती हूँ, जो कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज़ होती है ना, हम इधर की सुन ली, उधर की सुन ली, इधर की बात, उधर की बात, शोहर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, फलानी टेंशन, उससे मैं थोड़ा जो है ना रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि पहले जिसे बोलते हैं ना एक ही बात को सोचते रहते थे हम, अब नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को मैं देखती हूँ तो जैसे देसी ढोला हो गया, और वो अदिमा का फेवरेट वो कौन सा है, छोटी बच्ची वाला जो जिनकी पूरी फैमिली बनाती है, मनाहे लकरम, वो हमारी अदिमा, हमारे बच्चों ने बांट लिया, हमारे घर वालों ने बांट लिया, क्योंकि फासिया जो है बेला आंटी की जो है ना, बेला जी, मैं आंटी बोल रही हूँ सॉरी, तो फासिया आंटी बोलती है, तो मेरे बच्चे जो है ना बेला की बहुत पसंद करते हैं, तो हमारे घर में ये हलचल मची रहती है, हमें किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। सुनीता आंटी को मैं देखती हूँ, सुनीता, अच्छा मुझसे पूछा गया सुनीता कौन है, सुनीता कौन, सुनीता यहाँ पे सारे फ्रेंड्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। संगीता भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी मेरी नाइस फ्रेंड है, 2.5 साल से इंडिया से बिलोंग करती है, और सुनीता जी जो है वो यूके से हैं, तो मुझे यहाँ इतने खूबसूरत जो दोस्त मिले हैं मैं उनको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं जो हूँ ना यहाँ पर काम कर रही हूँ, चलती रहूँगी जब तक है मेरे अंदर दम, बस दुआओं में याद रखिएगा। अभी चाय भी मैं पीती हूँ, और बस इतनी सी है कि टेंशन ना ले भाई, आप अपना काम करते रहें, आपकी किस्मत में जो होगा आपको मिले, आप अल्लाह पे, अगर अल्लाह पे भरोसा है तो अल्लाह पे छोड़ दें, और मैंने देखा है जो आपके हक में बेहतर होता है वही होता है, आपके डिसीजन जो है ना खुद हो रहे होते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे वो काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बस तहजीब आलम मैं यही बोलूँगी, आप मेरी बहन हैं, मुझसे छोटी हैं, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दें और खुश रहा करें, ज़्यादा डबल माइंडेड ना हुआ करें, ज़्यादा सोचा ना करें, और सदफ थैंक यू सो मच बाबू, बाबू आई लव यू सो मच, तब्बे के लिए इतने सारे मुझे कमेंट्स आए, आप सबका शुक्रिया। और वो बाबू जो है ना सदफ बीबी साहिबा मेरी छोनू मोनू, उसने मुझे बोला ए तवे पे हाथ जला ना देना, नहीं नहीं इतनी पागल नहीं हूँ मैं तवे पे हाथ जलाऊंगी, जिस दिन हाथ जलाया ना मेरा शौर बोलेगा चलो जी सदफ के घर ही चली जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।